हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेबटेक जोन। आज का सब्जेक्ट है मेरा दोस्तों कि एक्सेल में आप अपना जो भी कंटेंट है उसका फर्स्ट लेटर कैसे कैपिटल करें बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, बहुत सारा डेटा एनालाइज रहते हैं या डेटा पे जो काम करते हैं या फ्रेशर है या जो भी डेटा एंट्री करते हैं या जो भी ऑफिस वर्क करते हैं उनको ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं कि उनको फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए या जो कंटेंट राइटर रहते हैं उनको ऐसा होता है कि फर्स्ट लेटर उनको कैपिटल चाहिए या बहुत सारे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। तो आज हम देखेंगे गाइस कि एक्सेल में आप जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका लिखा हुआ है उसका फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिकली फॉर्मूला यूज करके आपको वो कैपिटल कैसे कर सकते। तो हम पहले एक्सेल में जाते हैं। ये एक्सेल का विंडो मैंने ओपन किया है पहले से ही, तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, मुंबई दिल्ली कुछ भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, मुंबई पुणे लिखता हूँ, इंडिया मुंबई या मुंबई इंडिया। तो मैं यहाँ पे मेरा कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे मेरे 3-4 लाइन है। तो मुझे कहाँ पे जाना है, ये ए रो है, ये ए रो है, अभी मुझे बी रो में जाना है, राइट। तो बी रो में मुझे रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वल टू आपको दबाना है, फिर आपको दबाना है पी आर ओ प्रॉपर। तो देखो तीसरा ऑप्शन है प्रॉपर, यहाँ पे आओगे तो टैब दबाना है आपको, टैब दबाओगे तो आ जाएगा। फिर आपको आपका आपके इधर से लेफ्ट वाला कर्सल दबाना है, लेफ्ट वाला कीबोर्ड का कर्सल दबाना है, नहीं तो आपको माउस से भी आप कर सकते हो। तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया अपने आप, टैब दबाए ना मेरे, तो ब्रैकेट ओपन हो गया, ये देखो ब्रैकेट दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके, क्लिक करके आपको ब्रैकेट ओपन किया था तो अभी ये क्लोज करना है और आपको यहाँ पे इंटर दबाना है। ये देखिए M हो गया कैपिटल, D हो गया कैपिटल। तो इसको नीचे क्या करना है, नीचे करना है तो फिर आपको एक कंट्रोल दबाना है और एक सेकेंड यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको आके माउस से डबल क्लिक करना है, ओके तो ये पूरा जितना भी आपका कंटेंट हो पूरा वो नीचे अपने आप खींच लेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये पूरा शिफ्ट दबा के पूरा सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के, और आपको क्या करना है, प्रेस कंट्रोल दबा के डी दबाना है तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, आपने ये कर दिया, ओके आपका ये हो गया, लेकिन ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका कंटेंट है पूरा, ओके, और यहाँ पे आप दबाओगे तो ये फॉर्मूला दिखेगा, आपका कंटेंट नहीं दिखेगा। तो आप इसका फॉर्मूला भी क्लीन कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करना है पूरे रो को जो भी है, यहाँ पे जाना है, आपको बता देता हूँ, करने के बाद ये सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है आपको, यहाँ पे जाना है और आपको दबाना है एक कॉपी लिंक, कॉपी पीछे नहीं, कॉपी वैल्यू, एक सेकेंड ना, ये कॉपी पेस्ट फॉर्मूला, एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, कॉपी किया हम लोगों ने, क्या हो रहा है, क्या था वो, इधर नहीं आ रहा, एक सेकेंड ना सर जी, एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने कॉपी किया है, एक सेकेंड क्या हो रहा है, एक इसको कॉपी करना है आपको, कॉपी करना है, पेस्ट में जाना है और ये देखो, ये देखिए वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेलिटीज में आपको क्लिक करना है, पेस्ट वैल्यू वैल्यूज एंड नंबर्स फॉर्मेटिंग में आप क्लिक करोगे तो ये जो आपका फॉर्मूलास है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला दिख रहा था ना वो खत्म हो जाएगा और क्लियर आपका कंटेंट आ जाएगा। ये यहाँ पे भी कंटेंट दिख रहा है, यहाँ पे भी कंटेंट दिख रहा है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा आपको, और प्लीज़ जाते समय मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा जो कि आपका नॉलेज बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।